मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आए। मौजूद यहां पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್।